यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बरेली में प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो सत्ता से बाहर है और कांग्रेस बेरोजगार है, आधी कांग्रेस जेल में है और आधी कांग्रेस बेल पर है, वो ट्विटर की राजनीति करती है। प्रदेश में हर क्षेत्र में हमें जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली थी, 15 साल का कुशासन था, कांग्रेस के समर्थन से यहाँ सपा और बसपा की सरकार रही थी और सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में देश को लूटने का काम किया। वहीं राम मंदिर के मामले पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक लोगों ने मंदिर के नाम पर राजनीति की, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वहां पर राम मंदिर बने। 3 महीने के अंदर जो ट्रस्ट बनाने को कोर्ट ने कहा है उस पर भी काम चल रहा है। अयोध्या का संपूर्ण विकास हमारी प्राथमिकता है। देखिए, प्रियंका वाड्रा हो या कोई और हो, अब वो सत्ता से बाहर हैं, कांग्रेस बेरोजगार है, आधी कांग्रेस जेल में और आधी कांग्रेस बेल पर है, तो ट्विटर की राजनीति करते हैं। प्रदेश में जो एक हमें जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली थी, हर क्षेत्र में 15 साल का कुशासन था, इन्हीं प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन से यहाँ सपा की सरकार चली, बसपा की सरकार चली और सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। तो आत्मचिंतन कर लें, गरिमान में झांक कर देख लें कितने पाप कांग्रेस ने इस देश में किए हैं। हम सुधार के लिए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम सुधार भी कर रहे हैं और बेहतर सुविधाएँ जनता को कैसे दें उस पर भी काम कर रहे हैं।